निवेदिता, विदेशी मामलों के जानकार और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और भारत चीन की राजनीतिक उठापटक पर गहरी पकड़ रखने वाले कहते हैं कि चीन पर कभी भरोसा मत करो। अगर चीन डूब रहा है और मदद के लिए भी चिल्लाए तो भी मदद मत करो, क्योंकि इसमें चीन की कोई ना कोई चाल हो सकती है। क्योंकि चीन अपनी विस्तारवादी राजनीति से बाज नहीं आता, क्योंकि वो उसकी यूएसपी है। ड्रैगन का मानना है कि किसी भी सूरत में दक्षिण एशिया में कोई हमसे आगे न बढ़ पाए, और इसीलिए चीन अपने पड़ोसियों को परेशान करता रहता है और अपनी जाल में फंसाता रहता है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन को मुंह तोड़ जवाब देता है और चीन के खिलाफ उसकी चाल को धराशायी करता रहता है। चीन लाख कोशिशें करता है कि भारत उसके जाल में फंसे, लेकिन भारत ने हमेशा चीन को चोट दी है। अभी हाल ही में सीपैक को लेकर चीन ने काफी कोशिशें की, लेकिन भारत ने अपनी संप्रभुता और अखंडता को दोहराते हुए सीपैक से अपना नाम वापस ले लिया। इसी तरह चीन हिंद महासागर में अपनी जासूसी और दादागिरी कायम रखना चाहता है, लेकिन हिंद महासागर में चीन को भारतीय नौसेना मुंहतोड़ जवाब देती रही है। इसी तरह चीन हिंद महासागर में अपनी जासूसी और दादागिरी कायम रखना चाहता है, लेकिन हिंद महासागर में चीन को भारतीय नौसेना मुंहतोड़ जवाब देती रही है। इसी कड़ी में नौसेना के एक युद्धपोत ने चीन के एक जहाज को कुछ हफ्ते पहले भारतीय जल सीमा से खदेड़ दिया। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो चीन का ये जहाज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के पास भारतीय हितों के खिलाफ जासूसी कर रहा था। कहा जा रहा है कि चीनी जहाज शियान वन को पोर्ट ब्लेयर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में नोटिस किया गया है। उसके बाद भारतीय नौसेना हरकत में आई और चीन के जहाज को भारतीय जल क्षेत्र से खदेड़ दिया। यहाँ पर एक बात बता दें कि चीन का जहाज पोर्ट ब्लेयर के पश्चिम में लंबे समय तक मौजूद रहकर रिसर्च की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। जल क्षेत्र के नियमों के मुताबिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी दूसरे देश को दूसरे जल क्षेत्र में रिसर्च गतिविधियां करने की इजाजत नहीं देता, इसलिए चीन के जहाज को भारतीय जल क्षेत्र से बाहर किया गया। भारतीय जल सीमा में चीनी जहाजों की गतिविधियों पर भारतीय नौसेना पैनी नजर रखती है। चीन के पोर्ट ब्लेयर पहुंचे जहाज पर भी नौसेना की नजर थी, और जैसे ही संदेह शक में बदला भारतीय नौसेना ने कड़ी कार्रवाई की। आपको मालूम हो कि समुद्री रणनीति के आधार पर भारत का अंडमान बहुत ही सेंसिटिव द्वीप है, क्योंकि यहाँ से भारत पूरे भारतीय समुद्री इलाके और दक्षिण पूर्व एशिया पर नजर रख सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन भारत के साथ क्या करता है और क्या करना चाहता है, लेकिन फिर भी चीन भारत का दोस्त बनना चाहता है।